जनपद संभल के चंदौसी में व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने फवारा चौक पर एकत्रित होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का पैगाम पूरे देश को दिया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, अखिल भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के पदाधिकारी सागर गुप्ता व प्रेम ग्रोवर के नेतृत्व में फवारा चौक पर एकत्रित हुए, जिसमें चारों धर्मों के व्यापारी थे। हाथों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद आदि के स्लोगन लेकर पूरे देश को यह पैगाम दिया कि आज भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कायम है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष प्रेम ग्रोवर ने कहा कि हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मिसाल पैदा किए हुए है। यहाँ पर हर वर्ग को बराबर सम्मान दिया जाता है और भाईचारे की एक मिसाल कायम है। अखिल भारतीय किसान उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सागर गुप्ता ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रदेश का देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यह उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है। आज भी हिंदुस्तान में भाईचारा कायम है और सब मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार मनाते आ रहे हैं और साथ में मनाएंगे। व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने कहा कि सदियों से हिंदुस्तान में भाईचारा कायम है, हर वर्ग एक दूसरे के हर सुख दुख में हमेशा शामिल होता रहा है, होता रहेगा। इसी भाईचारे को कायम रखने के लिए आज ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कार्यक्रम किया गया है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक मिसाल है और बहुत जल्दी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आज आपने फवारा चौक पर कार्यक्रम किया है, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया है, क्या संदेश है? आज व्यापारियों ने यहाँ फवारा चौक पर इकट्ठे होकर एक संदेश दिया है पूरे मुल्क को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गंगा जमुना की तहजीब हमारे मुल्क की शान है। कुछ लोग माहौल ऐसा बना रहे हैं जिससे जो है देश का माहौल ख़राब हो रहा है, क्योंकि देश में अगर भाईचारा रहेगा, भाईचारा कायम जैसे चलता आ रहा है, तो बहुत जल्दी हम जो है वो इस गुरु बनेंगे। तो आज हमारा ये संदेश है तमाम हिंदुस्तान वासियों के लिए कि जिस तरीके से हम शुरू से रह रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आज चारों प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और मुस्लिम भी हैं, सारे प्रतिनिधि आज हमारे साथ में हैं। तो एक ये संदेश दिया है हमने कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में हैं भाई भाई। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के ये प्रोग्राम किया है, जिसमें जो है चंदौसी की गंगा यमुना तहजीब को हमने आगे बढ़ाया है और हम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में भी यही तहजीब जो यहाँ पर है होनी चाहिए और चंदौसी और हिंदुस्तान का माहौल बढ़िया होना चाहिए, जिस तरह से हम मिलजुल कर रहते आए हैं, रहते रहेंगे और यहीं पर रहना है और यहीं पर मरेंगे। आज आपने हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश दिया है, क्या संदेश है? आज व्यापार संघ द्वारा जो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में माहौल खराब की स्थिति है एवं देश में भी कई राज्यों में माहौल खराब चल रहा है, उसी को देखते हुए हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक के लिए हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर आज आह्वान किया है कि पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता भारत में है और हमेशा कायम रहेगी। जो लोग दंगा भड़का रहे हैं, जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एवं मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सब लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे को त्यौहार मनाएं।